नमस्कार दोस्तों, एडी ज्ञानी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के अज्ञात तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था? शतरंज या अष्टपद का आविष्कार भारत में हुआ था। जिस खेल को हम शतरंज के नाम से जानते हैं, वो प्राचीन भारतीय खेल चतुरंग से आया है। इसका आविष्कार 1500 साल पहले किया गया था। चतुरंग में पैर सैनिकों की सुविधा है जो शतरंज के मोहरे की तरह चाल चलते हैं। चतुरंग में राजा और घोड़ा भी शतरंज के राजा और घोड़े की तरह चलता है। भास्कराचार्य ने 5वीं शताब्दी में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी द्वारा लिए गए समय की गणना की थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय 5वीं शताब्दी में 365.258 दिन था। क्या आप जानते हैं नेविगेशन का आविष्कार 6000 साल पहले सिंध नदी में हुआ था? शब्द नेविगेशन संस्कृत शब्द नवगति से लिया गया है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। दुनिया भर के 10,500 से अधिक छात्रों ने 60 से अधिक विषयों का अध्ययन किया था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आयुर्वेद मनुष्यों के लिए ज्ञात सबसे प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति है जो भारत की देन है। औषधि के जनक चरक ने 2500 साल पहले आयुर्वेद को समेकित किया था, जिससे आज आयुर्वेद तेजी से हमारी संस्कृति में अपना सही स्थान हासिल कर रहा है। क्या आपको पता है विश्व का पहला शल्य चिकित्सा किसने किया था? सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक हैं। 2600 साल पहले उन्होंने और अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने सीजीरियन, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग, फ्रैक्चर, मूत्र पथरी और यहां तक कि प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क सर्जरी जैसी कई जटिल सर्जरी की थी। संज्ञाहरण यानी एनेस्थीजिया का उपयोग प्राचीन भारत में अच्छी तरह से जाना जाता था। 125 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का उपयोग किया गया था। शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, पाचन, चयापचय का गहन ज्ञान, आनुवांशिकी और प्रतिरक्षा भी कई ग्रंथों में पाए जाते हैं। यह सब हमारे भारत की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग की संस्कृति जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक थी, दुनिया की 3 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस समाज के लोग गणित, विज्ञान, नेविगेशन और अयस्क के निष्कर्षण में उन्नत थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर और बाथरूम के निर्माण में विकसित थे। उनकी बस्तियों के लगभग हर घर में बहते पानी के साथ शौचालय थे, जो एक बेहतरीन सीवेज सिस्टम में से एक था, जिससे वे पहले फ्लश शौचालय बन गए। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में सभी घरों में बाथरूम का निर्माण है और पूरी दुनिया में प्रचलित सीवेज सिस्टम भारत की देन है। भारत ने दुनिया को शतरंज, पृथ्वी का परिक्रमा का समय, आयुर्वेदिक दवाएं, सर्जरी, सीवेज सिस्टम जैसे कई आविष्कारी चीजें दी हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए एडी ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।